अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो भी न्यू लोग देख रहे हैं। एंड अल्लू के स्टोर पे आज हम और चले अंदर चलते हैं। चलें जी, स्टोर के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे ये वन बाय वन करके आई विल शो एवरीथिंग। यहाँ पे ये सारे शूज़ थे, सही है। आप लोगों को अगर कुछ पसंद आएगा तो आपने स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप करना है, वीडियो के टाइटल में व्हाट्सएप गिवन है। ये जो इनकी न्यू लॉन्च कलेक्शन है जिसकी खातिर मैं अल्टो आई थी, सही है। ये इनकी प्रीमियम लाइन जो भी रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो मुझे ईमेल आता है कि जी अल्टो ने एक्सक्लूसिव कलेक्शन लॉन्च की, और मैं तो बस मैं आ गई यहाँ पे। और अनडाउटली इतनी खूबसूरत कलेक्शन थी, बहुत ही ज़बरदस्त। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं शूज़ का, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साइज़ आप लोगों ने ख़ुद बताना होगा कि हमें ये साइज़ चाहिए है, वो चीज़ आपकी ऑर्डर हो जाएगी, सही है। तो ये सारे यहाँ पे शूज़ थे, ऑलमोस्ट सब साइज़ इनमें अवेलेबल थे। और ये अगेन मैं शूज़ से हटके मैं बैग्स पे जा रही थी, बिकॉज़ वो इतने आई कैचिंग थे, इतने अट्रैक्टिव, इतने खूबसूरत, सुपर हाई क्वालिटी के। और ये मेजोरिटी जो बैग्स हैं, ये जैसे शनैल, हैंडमेड, डायोर, बुल्गारी, इनके डिज़ाइन का अल्टरनेट इन्होंने निकाले। ऑब्वियसली वो 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख, ऑफ कोर्स नॉट एवरीवन इज यू नो अफोर्ड के वो ले सके। सो ये बेहद अच्छे जो है ना कलेक्शन थी और बेहद खूबसूरत। अच्छा, ये वाला जो आर्टिकल था ना इनके स्टोर का, ये वाला जो ये मैं अब दिखा रही हूँ, ये इनके स्टोर का मोस्ट एक्सक्लूसिव था। इवन दो ये डायोर का एक्सक्लूसिव डिज़ाइन है, ये उसका सिमिलर है। वो बैग है जी 30 लाख रुपये का, 30,000 का, सॉरी 30 लाख का, 30 लाख रुपए का। अब वो बैग के एक तरफ, अब ये वाला जो बैग था, ये अभी मैं आगे दिखाऊंगी मज़ीद डिटेल में। ये जी मज़ीद बैग्स थे, लेकिन ये मुझे इतना अपील नहीं कर रहे थे जितने जो है ना आई कैचिंग मेरे लिए न्यू कलेक्शन थी। तो मैं बार बार यहीं जा रही थी। सो या ये जो इनका न्यू आर्टिकल था न्यू कलेक्शन से, बहुत ही ज़बरदस्त था। आजकल इन बैग्स का बहुत ही ट्रेंड है। अल्टो का प्लस पॉइंट ये होता है कि लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जो कि बहुत ही इनकी एक अच्छी वो मुझे लगती है। अच्छा जी, ये जो है इनका जो ब्लैक अभी मैं दिखाऊंगी, ये इनके स्टोर का मोस्ट इनके कलेक्शन का एक्सक्लूसिव जो है ये आर्टिकल था। और ये आपको पता है गर्ल्स मैगज़ीन में भी ये आर्टिकल इनका पब्लिश हुआ है, इतना ये हिट कोड है इनका। अच्छा जी, अब मैं आपको ज़रा ज्वेलरी दिखाती हूँ। यहाँ पे नेकलेसेस और ब्रेसलेट, स्टड्स एंड बहुत कुछ था यहाँ पे, जैसे ईयर कफ और बेसिकली सेटिंग्स थी, जैसे 5 रिंग्स का एक पैक था, कुछ उसमें स्टड 5-6 थे। और इनकी ज्वेलरी का जो कलर है वो फेंट नहीं होता, बहुत अच्छी ज्वेलरी और बहुत ही अच्छे प्राइस में होती है। इसके अलावा जिनको एलर्जीज होती हैं रोल गोल्ड से, सो इससे नहीं होगी, बिकॉज इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। बहुत ही जो है ना अच्छी इनकी ज्वेलरी होती है। एंड अब हम आगे दूसरी साइड पे चलते हैं। अच्छा, ये जो है मज़ीद, यहाँ पे मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, ये मज़ीद ज्वेलरी थी, सही है। यहाँ पे इयररिंग्स लाइक वेडिंग वगैरह पार्टीज़ के लिए, नेकलेसेस थे, इसके अलावा बहुत कुछ था यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत था, लाइक लिटरली बहुत ही खूबसूरत, एक से बढ़ के एक चीज़ें थी। ये रैग जो था ये सनग्लासेस का था, गॉगल्स का, और ये वो प्लास्टिक वाले इनके शीशे नहीं थे, ये ऑथेंटिक सनग्लासेस थे। और ये बाकायदा ऊपर इनके यू नो स्टेम था कि ये अप्रूव्ड है, लाइक इसको जो है आप धूप में और जिस तरह से ये देखें ऊपर लिखा हुआ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो एक ये रैक था, ठीक है। यहाँ पे जेंट्स की चीज़ें थी, ब्रेसलेट थे, सॉक्स थी, मिक्स एंड मैच था, कुछ बैग्स वगैरह थे। आगे ये शू कॉर्नर था जेंट्स के लिए, किसी ने अपने हस्बैंड के लिए, और फॉर एनीवन इफ़ यू वांट टू ऑर्डर एनीथिंग, आप स्क्रीनशॉट लेके जूम करके व्हाट्सएप कीजिएगा, टाइटल पर जो है ना व्हाट्सएप नंबर गिवन है। ये जो था यहाँ पे, ये डिफरेंट चीज़ें थी, मिक्स एंड मैच, ये हेयर कैचर वगैरह, एक्सेसरीज, वॉयलेट। एक अभी मैं वॉच दिखाऊंगी, इतनी खूबसूरत वॉच रॉलेक्स की, बिल्कुल अल्टरनेट, द पैकेजिंग सो प्रीटी। किसी को वॉच चाहिए है ना, आप इस पे इन्वेस्ट करें, जब ये आपके पास आएगी यू विल थैंक मी लेटर, इट्स सो प्रीटी। अगेन मैं बैग्स की तरफ आई थी, ये वाले जो बैग्स हैं ये थे ज़रा कैजुअल टाइप के, मतलब अगर किसी को ऑफिस यूज़ के लिए, एवरीडे कोई स्टूडेंट है, कोई वर्किंग लेडी है, सो दीज आर रियली प्रिटी, सही है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो
ये वाला बैग जो था ये मैं अपने लिए ले चुकी थी क्योंकि मैं रिजिस्ट नहीं कर पाई जितना खूबसूरत है ये। ये भी बहुत प्यारा था। बस वीडियो मैं एंड करने लगी हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।